आज संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का आह्वान किया है। इसे देखते हुए हरियाणा से लेकर दिल्ली तक अलर्ट है। इसको लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस सुबह से ही ग्रेटर नोएडा और नोएडा से दिल्ली सीमा पर लगने वाले सभी बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर सघन चेकिंग कर रही है। पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। इसके अलावा पुलिस ने लोगों से आवाजाही के लिए ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करने की अपील की है। भारत बंद का आह्वान सैकड़ों किसानों के दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन के बीच आया है, जो हरियाणा पंजाब से मार्च कर रहे हैं और उन्हें अंबाला के पास हरियाणा की सीमाओं पर रोक दिया गया है, जो दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। हरियाणा के सुरक्षा बल किसानों को तितर बितर करने की कोशिश में उन पर आंसू गैस के इस्तेमाल कर रहे हैं। एसकेएम ने सभी समान विचारधारा वाले किसान संगठनों को आगे आने और भारत बंद में भाग लेने के लिए कहा, जो सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाला एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन है। किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक भारत भर की प्रमुख सड़कों पर व्यापक चक्का जाम भी करेंगे। पंजाब में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों का एक बड़ा हिस्सा कम से कम 4 घंटे तक बंद रहेगा। पंजाब में हजारों यात्रियों को शुक्रवार को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 3000 सरकारी बसें खड़ी रहेंगी। पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी से संबद्ध ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन केंद्र के प्रस्तावित हिट एंड रन कानून के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त करते हुए देशव्यापी भारत बंद में भाग ले रहे हैं। किसानों के भारत बंद के बीच नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि दिल्ली जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें। किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच गुरुवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की परीक्षाएं शुरू होने से नोएडा के छात्र और उनके अभिभावक चिंता से जूझ रहे हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए बॉर्डर्स पर सप्ताह भर की नाकेबंदी के कारण शहर भर में ट्रैफिक जाम हो गया है, जिससे परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र परेशान हैं। आज किसान संघों की देशव्यापी हड़ताल के कारण परिवहन, कृषि गतिविधियां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रामीण कार्य, निजी कार्यालय, गांव की दुकानें, ग्रामीण औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के संस्थान बंद रहने की उम्मीद है। इसमें सड़कें और परिवहन बाधित होने की संभावना है, जिस कारण ट्रैफिक जैम हो सकता है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को किसान संघों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर जिले भर में अनाधिकृत सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध सहित CRPC की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों का बड़ा जत्था तैनात है। 16 फरवरी को यानी आज भारत बंद का आह्वान किया है और 17 फरवरी को हर तहसील में दोपहर 12 बजे से ट्रैक्टर परेड की जाएगी। 18 फरवरी को सभी किसान और मजदूर संगठनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे के फैसले होंगे। किसानों के भारत बंद के इस ऐलान के बाद दिल्ली की सड़कों पर बड़े पैमाने पर चक्का जाम हो सकता है। इस कारण राजधानी के लोगों को ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ सकता है। ट्रैफिक के साथ और भी कई तरह की समस्याएं हो सकती है। शुक्रवार को किसानों की तरफ से बुलाए गए इस ग्रामीण भारत बंद का असर एम्बुलेंस की आवाजाही, मेडिकल और दवा दुकानें, शादी, स्कूल जैसी इमरजेंसी सर्विस पर नहीं पड़ेगा। किसानों ने गांव की दुकानें, अनाज मंडी, सब्जी बाजार, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, ग्रामीण औद्योगिक और सर्विस सेक्टर से जुड़े प्रतिष्ठान, साथ ही प्राइवेट सेक्टर के उद्यमों को बंद करने का आग्रह किया। हड़ताल के दौरान हो सकता है इनमें से कुछ चीजें बंद रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका TV।